Can you imagine? Imagine a new color, not a shade of red or blue. कोई ऐसा कलर जो एग्जिस्ट ही ना करता हो. डिफिकल्ट है ना. दैट्स हाउ केपी सिंह इमेजिन गुड़गांव 30 years बैक एज अ सिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, बेस्ट ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, मिलेनियम सिटी एंड वॉट नॉट. बट हु इज केपी सिंह? यू कैन कॉल हिम द DLF मैन, द मैन बिहाइंड गुड़गांव, और सिंपली कुशल पाल सिंह. DLF यानी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस के फाउंडर चौधरी रघुविंदर सिंह है. Then what makes KP Singh great? And who is Rajiv Singh? Let's know everything about him and all things about DLF. UP के एक गांव बुलंदशहर से लेकर इंग्लैंड में रोल्स रॉयस में घूमना, from joining the Indian Army to becoming a billionaire, that's KP Singh for you. Do you know who is the man behind DLF Cyber City? Stay tuned and you will know him. और क्या आपको पता है, एक टाइम पर DLF कंपनी की वर्थ 26 लाख रुपीस थी. And now its market cap is 1.7 lakh crore rupees. एक बात तो श्योर है, DLF ने ही गुड़गांव को बनाया है, और गुड़गांव ने ही DLF को भी. अब जरा शुरू से शुरू करते हैं. As per the KP Singh autobiography, whatever the odds, and just like Queen Elizabeth II, कुशल पाल सिंह के भी दो बर्थ डेट्स हैं. एक है 19th November 1929, ये वो डेट है जो होरोस्कोप में लिखी है, और एक डेट है 15th August 1931, जो लोकल म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में है. लेकिन केपी सिंह 19th नवंबर को ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एंड इनका बर्थ प्लेस है यूपी का एक छोटा सा गांव बुलंदशहर, एंड मोर प्रिसाइजली खंडेरा. केपी सिंह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. फादर चौधरी मुख्तार सिंह एक लॉयर थे, और उनकी वाइफ एंड मदर ऑफ केपी सिंह राम प्यारी देवी. इनकी शुरुआती स्कूलिंग लोकल मदरसे में हुई, फिर 1939 में इनका एडमिशन इंडिया की लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन सोसाइटी विच वॉज दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सिस्टम्स, बेटर नोन एज DAV में हुआ. केपी सिंह का कभी क्लासरूम्स और बुक्स में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, बट केपी सिंह ने अपने फादर के स्पोर्ट्स खेलने के पैशन को इनहेरिट किया. द वे ही प्लेड हॉकी एंड टेनिस ओपन्ड वे मेनी डोर्स फॉर हिम देन केपी सिंह कुड हैव इमेजिन्ड. और स्कूलिंग खत्म करके इन जुलाई 1945 केपी सिंह मेरठ कॉलेज ज्वाइन करते हैं, जहां इन्होंने साइंस ऑप्ट की. कॉलेज में कुछ हफ्ते ही निकले थे कि केपी सिंह के एक पुराने फ्रेंड भोपाल सिंह ने उन्हें बताया दैट ही गॉट सिलेक्टेड फॉर ग्राउंड इंजीनियरिंग कोर्स एट एयर सर्विस ट्रेनिंग फैसिलिटी इन इंग्लैंड. भोपाल सिंह एक ऐसे दोस्त हैं जो बिना कहे किसी की मदद कर दिया करते थे. इनकी एक मदद ने केपी सिंह की लाइफ बदल दी. बट भोपाल सिंह ने ऐसा क्या किया? तो भोपाल सिंह ने बिना पूछे केपी सिंह का एडमिशन इंग्लैंड के ग्राउंड इंजीनियरिंग कोर्स के लिए भिजवा दिया. और सिर्फ इतना ही नहीं, एक गुड कोइंसिडेंस ये हुआ दैट इट गॉट एक्सेप्टेड. केपी सिंह वाज सो मच एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड विद द आइडिया ऑफ स्टडिंग अब्रॉड. लेकिन दूसरी तरफ केपी सिंह सोच में थे कि दूसरी कंट्री में एडुकेशन परस्यू करना विल बी अ फाइनेंशियल चैलेंज. वैसे तो आज की डेट में भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए इंग्लैंड जाना या किसी कंट्री भी जाना फाइनेंशियली मुश्किल है, और ये बात हो रही है पोस्ट पार्टीशन की. और केपी सिंह भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जाहिर सी बात है फाइनेंस उतना अच्छा नहीं था. लेकिन जैसे हमारी फैमिली में भी पेरेंट्स जी जान लगा रहते हैं बच्चों को बेस्ट ऑफ एडुकेशन प्रोवाइड कराने में, और केपी सिंह के भी केस में यही हुआ. केपी सिंह के फादर ने समहाउ और से एनी हाउ इनके फॉरेन एडुकेशन के लिए फंड्स इकट्ठा किए in hope to get him a better education and good life. Buland Shahar to England. Kitna difference raha hoga us samay, culture ka, logo ka, khana peena, and somehow, KP Singh wahan settle huye. Inki ek life ka ek major event, sirf tennis khelne ki wajah se hua, jahan inki mulaqat inke first lover, Julie se hui. Julie ek achhe yet rich family se thi, aur Julie ke is reputed background mein, केपी सिंह को भी फॉर गुड बदल दिया. उनके रहन सहन, खान पान सब बदल गया, एंड केपी सिंह वॉज हैप्पी लाइक नेवर बिफोर. केपी सिंह अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि इंग्लैंड में रहकर ही उन्होंने सोफिस्टिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप्स की वैल्यू सीखी. सिंस जूली एक रेपुटेड फैमिली से थी, तो इससे केपी सिंह को एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिला इंग्लैंड के दिग्गजों से मिलने का, अच्छी से अच्छी पार्टीज अटेंड करने का. सब अच्छा था. He was happy, content and satisfied with his life in England until he met an Indian Army officer jinka naam tha
ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह बटालिया। दोनों को ही नहीं पता था कि ये कॉन्वर्जेशन एक टर्निंग पॉइंट होगा केपी सिंह की लाइफ का। महेंद्र सिंह बटालिया ने उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा, दैट यू आर अ बेटर पोलो प्लेयर देन एन इंजीनियर, यू शुड ज्वाइन इंडियन आर्मी। अब केपी सिंह एक डिलेमा में आ गए, क्योंकि ही इज इन टू हिज कम्फर्ट जोन, ही इज हैप्पी विद हिज प्रेजेंट लाइफ, और वो जूली से शादी करके इंग्लैंड में ही सेटल होना चाहते थे। कहते हैं ना, जो डेस्टिनी में है वो कहां बदल सकता है। केपी सिंह ने उन्हें इंडिया ना जाने के बहाने दिए, जैसे वो आईएमए का एग्जाम देने इंडिया नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक स्पेशल केस के अंडर केपी सिंह वॉज अलाउड टू सेट एन एग्जाम इन इंग्लैंड ओनली। अब केपी सिंह का आर्मी ज्वाइन करने का मन तो नहीं था, तो एग्जाम भी एक फॉर्मेलिटी में ही दिया। अब डेस्टिनी ने एक बार फिर से गेम खेला, ही स्कोर्ड वेल, पर्सनल इंटरव्यू हुआ एंड ही गॉट सिलेक्टेड टू द 8th कोर्स ऑफ आईएमए। ही हैड टू रिपोर्ट टू देहरादून ऑन 1st February 1950, बट केपी सिंह वाजंट हैप्पी बिकॉज ही विश टू स्टे इन इंग्लैंड। और जूली को भी केपी सिंह का इंडिया जाने का आइडिया अच्छा नहीं लगा। इवन केपी सिंह के फ्रेंड्स ने भी इंडिया वापस जाने से डिसएग्री किया। फिर काफी सोचने के बाद केपी सिंह ने एक और बहाना दिया इंडिया वापस ना जाने का, और वो था, मेरे पास इंडिया जाने के लिए फ्लाइट की टिकट के पैसे भी नहीं है। अब केपी सिंह श्योर थे ये काम कर जाएगा, बट इट डिडंट, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एग्री किया कि वो केपी सिंह का एयरफेयर स्पॉन्सर करेंगे। अब केपी सिंह के पास कोई रीजन नहीं बचा, नाउ ही हैव टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। प्लस इंडियन आर्मी की एक न्यू रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नोबडी इज अलाउड टू मैरी अ फॉरेनर, एंड विद हैवी हार्ट केपी सिंह ने जूली को गुड बाय किया और एक प्रॉमिस किया दैट ही'ल बी बैक वेरी सून। बट इन रिटर्न जूली ने केपी सिंह को एक लेटर में लिखा टू नेवर कॉन्टैक्ट हर अगेन बिकॉज शी न्यू ही वॉन्ट बी कमिंग बैक। बट डिड ही गट बैक टू मीट जूली, इसका आंसर आपको स्टोरी में आगे मिलेगा। फिर अब 20 साल के बाद केपी सिंह अपने उस फ्रेंड भोपाल सिंह से मिले, जिन्होंने केपी सिंह का एडमिशन इंग्लैंड में करवाया था, जिनकी वजह से ही मेट जूली, और उस वजह से ही गॉट एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ पीपल, अटेंडेड बेस्ट पार्टीज एंड ऑल द मोमेंट्स ही हैड लिव्ड इन इंग्लैंड। भोपाल इनसे एक नहीं दो हार्ट ब्रेकिंग न्यूज शेयर करते हैं। फर्स्ट वन दैट जूली हैड डाइड बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एंड इट केम एज शॉक, क्योंकि जूली वॉज सो डियर टू हिम। एंड सिंस 1966 केपी सिंह ने कभी जूली से कॉन्टैक्ट नहीं किया, व्हेन शी सेड नेवर राइट और कॉल हर। इट ऑल्सो रिमाइंड्स हिम ऑफ ऑल द टाइम ही हैज स्पेंट विद जूली। अब केपी सिंह यही एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे कि भोपाल सिंह ने केपी सिंह से एक और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज शेयर की, दैट दिस माइट बी द लास्ट टाइम वी आर मीटिंग बिकॉज ही हैड वन ईयर लेफ्ट टू लिव, क्योंकि भोपाल सिंह को प्रोस्टेट कैंसर है एंड इट्स इन द लास्ट स्टेज। केपी सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 साल के बाद किसी करीबी से मिलना और ये सब सुनना केपी सिंह के लिए काफी मुश्किल रहा। लेकिन क्या केपी सिंह जूली से मिले? हाँ, लेकिन काफी देर हो चुकी थी बिकॉज नाउ जूली गॉट मैरिड टू अ बिजनेसमैन, और फिर भी वो जूली से मिलने गए। बट जूली वॉज एंग्री, शी क्राइड हैविली एंड टोल्ड केपी सिंह टू नेवर कम बैक एंड लेट हर डाई इन पीस। बैक इन 1953 when KP Singh was around 23 years of age, ये जो समय शादी के लिए अच्छी मानी जाती थी। KP Singh अपने आर्मी करियर में आगे बढ़ रहे थे with a bright future, और शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि कोई सीनियर आर्मी ऑफिसर आपके लिए मैच मेकर बने, और KP Singh के केस में यही हुआ। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शियोडन सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल कदाम सिंह और KP Singh के अंकल अंकल सुरेंद्र, they have found a right match for him. Indra Singh, who was the daughter of Chaudhary Ravindra Singh, a respected lieutenant colonel in the army. उस समय यंग कपल्स का पब्लिक में मिलना सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं था, बट बोथ ऑफ द फैमिलीज वर अहेड ऑफ द टाइम एंड दे फेल्ट केपी सिंह एंड इंदिरा सिंह शुड मीट बिफोर गेटिंग मैरिड। केपी सिंह और इंदिरा सिंह की पहली मुलाकात एक क्रिकेट टेस्ट मैच में हुई इन फिरोज शाह कोटला, एंड आफ्टर फ्यू मीटिंग्स एंड कॉन्वर्सेशंस दे फेल्ट दे लाइक ईच अदर्स कंपनी एंड फाइनली they decided to get married on 6th March 1954. Both were happy. KP Singh adored Indra Singh for all the adjustments she made in his life. And KP Singh was happy in his army life until in 1959, KP Singh ke father-in-law Chaudhary Ravindra Singh ne KP Singh se army chhodkar unka family business sambhalne ke liye kaha, kyunki Chaudhary Ravindra Singh had no son.
This came as shock to him, as KP Singh was happy and content with his life. A father-in-law ki baat na manna bhi option mein nahi tha. KP Singh decided to take this step and to leave army. Us time par army chhodna was difficult. And for KP Singh, it was too difficult. Kyunki government has spent too much resources on KP Singh. And even KP Singh has excellent scorecard. और ऊपर से केपी सिंह का रेजिग्नेशन हैड टू बी क्लियर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर वी के कृष्णा मेनन. फिर भी काफी प्रपोजल्स रखे गए, दे ऑल गॉट रिजेक्टेड अंटिल एक प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल, हु वाज द चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हु डिड ऑल द टॉक विद डिफेंस मिनिस्टर वी के कृष्णा मेनन. एंड आफ्टर स्पेंडिंग 8 years इन आर्मी, ही जॉइंड हिज फादर इन लॉज बिजनेस. इन 1950s दिल्ली में चौधरी रविंद्र सिंह जी ने एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड एक्वायर किया. एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1964 डीएलएफ ने दिल्ली में 22 अर्बन कॉलोनीज एस्टैब्लिश की, विच इंक्लूड्स रजौरी गार्डन, पंजाबी बाग, ग्रेटर कैलाश, कैलाश कॉलोनी एंड मॉडल टाउन. बट इट वॉजंट ईजी वेन इन 1957 दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी. इस अथॉरिटी के अंडर एक रेगुलेशन आई कि कोई भी प्राइवेट डेवलपर दिल्ली में लैंड एक्वायर नहीं कर सकता. सिंस DLF काफी लैंड एक्वायर कर चुका था, ऑल दे कैन डू इज बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग लैंड. अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना पॉसिबल नहीं था. चौधरी रविंद्र सिंह को कुछ सजेशन जरूर मिले दैट यू कैन फाइंड लूप होल्स एंड थिंग्स विल गेट राइट फॉर यू. एंड दैट्स व्हेन केपी सिंह लर्न फ्रॉम हिज फादर इन लॉ दैट देर इज नो राइट वे टू डू अ रॉन्ग जॉब. क्योंकि चौधरी रविंद्र सिंह वॉज अ मैन ऑफ कल्चर और उनका मानना था दैट ही विल रन आउट ऑफ बिजनेस rather than pursuing illegal methods. अब चौधरी रघुविंदर सिंह की इच्छा थी बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया जाए एंड ही वॉन्टेड टू स्टार्ट अ मैनुफैक्चरिंग कंपनी. एंड गेस वॉट ही डेड इन जुलाई 1963 ही स्टार्टेड द मैनुफैक्चरिंग ऑफ मोटर्स. इसकी शुरुआत हुई विद अ टाई अप विद अ US कंपनी नेम अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड. द फैक्ट्री वॉज सेटअप एट फरीदाबाद ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली. KP Singh learned a lot from George Warren Hoodie, an American entrepreneur who was looking to invest in India to start a manufacturing unit. So basically, dono ek dusre ko dhoond rahe the. KP Singh was the managing director because Chaudhary Raghvinder Singh was holding the majority of the stake in the company. They did great business together. Both learned a lot of things about business. And years later, George Warren Hoodie wanted to make a fortune by selling his shares and merging Universal Electric with ESB. Electric Storage Batteries, which was a leading manufacturer of storage batteries in the United States with ownership of brands like Exide, Willard and Rayovac. In early 1970s, he co-founded Willard India Limited with ESB Inc. of Philadelphia to develop the battery sector in India. The factory was set up in Secunderabad, about 60 km from Delhi on the way to Bulandshahr. KP Singh was excited for this new start. लेकिन ये कंपनी ज्यादा टाइम चल नहीं पाई बिकॉज ये बैटरीज इनएफिशिएंट इलेक्ट्रिक लोड हैंडल नहीं कर पाई एंड रिसाइकल भी नहीं हो पा रही थी लाइक अदर ब्रांड्स इन द मार्केट, रिजल्टिंग लार्ज नंबर ऑफ बैटरीज रिटर्न होने लगी. कंपनी लॉस करती रही. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर रिफ्यूजिंग टू गिव एडिशनल लोन्स टू द कंपनी. वन ऑफ देम वाज सिटी बैंक, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल किया. सिटी बैंक वॉन्टेड DLF टू पे ऑन बिहाफ ऑफ Willard India. इसी वजह से KP Singh को डाउट हुआ अपनी choices पर. फिर उस कश्मकश में आ गए कि is he into right business? Should he be investing his future in trying to grow the battery business or should he try to revive the family company in which he was a major shareholder? Finally, in 1977, KP Singh decided to sell his shares to exit the business. He sold it to BP Bajoria, a businessman from Kolkata. During the partition, जब DLF की शुरुआत जुलाई 1946 में हुई विद अ कैपिटल ऑफ 5000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, द मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स वर हेल्ड इनिशियली बाय अ जैन फैमिली, अदर्स वर हेल्ड बाय फ्रेंड्स ऑफ चौधरी साहब एंड हिज फैमिली. चौधरी रविंद्र सिंह जी ने सोचा अब इंडिपेंडेंस के बाद काफी लोगों का मूवमेंट होगा, दे आर गोइंग टू नीड अ गुड स्पेस टू लिव. एंड यहीं से एस्टैब्लिश हुआ DLF का पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन कृष्णा नगर इन 1949. एंड ईयर आफ्टर ईयर DLF अर्बन कॉलोनीज बनाता रहा अंटिल DDA स्टेप्ड इन. अब DDA की रेगुलरिटीज के आगे कुछ पॉसिबल नहीं था. फिर KP Singh की नज़र गुड़गांव पर पड़ी.
जब गुड़गांव एक गांव हुआ करता था जहां फार्मर्स अपने पीस ऑफ लैंड से इमोशनली अटैच्ड थे, क्योंकि वो जमीन का टुकड़ा उनके पास सालों से था और उस वक्त गुड़गांव वॉज नथिंग बट ए लार्ज एरिया ऑफ बैरन लैंड। उस बंजर जमीन पर कुछ सालों के बाद दुनिया जहान की कंपनीज अपना ऑफिस बनाना चाहेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज सीएफओज वहां रहना पसंद करेंगे। ऐसे विजन को शायद बेवकूफी माना जाता, लेकिन गुड़गांव को आप और मैं तो जानते ही हैं। इन 80s आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन अनाउंस हुआ था एंड गुड़गांव हैव दैट लोकेशन एडवांटेज और दिल्ली बॉर्डर के पास भी था, राइट ऑन द मेन हाईवे टू द सिटी ऑफ जयपुर। एक दिन की बात है, गुड़गांव में गर्मी के मौसम में दोपहर का समय था। केपी सिंह किसानों के साथ बैठकर बातें ही कर रहे थे व्हेन अ जीप स्टॉप्ड राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। जीप के ऑनर ने उतरकर केपी सिंह से पानी मांगा क्योंकि उनकी कार का इंजन गर्म हो गया था। केपी सिंह अरेंज्ड इट एंड उस इंसान ने पूछा, आप इस बंजर इलाके में और इतनी धूप में क्या कर रहे हैं? केपी सिंह रिप्लाइड दैट ही इज इनटू रियल एस्टेट बिजनेस एंड वांट्स टू बिल्ड दीज अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड टाउनशिप्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड दैट जीप मैन वॉज नन अदर देन राजीव गांधी। बातें होती रही एंड राजीव गांधी वॉज बिकमिंग सो इंटरेस्टेड दैट ही फाइनलाइज्ड अ मीटिंग विद केपी सिंह। केपी सिंह प्रिपेयर्ड एवरीथिंग इन डिटेल बिफोर मीटिंग राजीव गांधी एट हिज ऑफिस, जिस मीटिंग ने नींव रखी फॉर गुड़गांव ऑफ व्हाट इट इज टुडे। अब पिक्चर में आते हैं डिफेंस मिनिस्टर, सून टू बी द सीएम ऑफ हरियाणा। ऐसे इंसान है जिससे केपी सिंह के साथ एक समय पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, और एक टाइम ऐसा हो गया कि ही ट्राइड टू डिस्ट्रॉय केपी सिंह एंड डीएलएफ। दैट मैन वॉज बंसीलाल, हु वॉज अ बिटर ओपोनेंट ऑफ भजनलाल। जहां डीएलएफ वॉज ग्रोइंग एंड एक्वायरिंग लैंड, वहीं बंसीलाल डिड ऑल ही कैन टू ब्रिंग डाउन डीएलएफ एंड केपी सिंह। डीएलएफ स्टार्टेड लैंड एक्विजिशन इन गुड़गांव इन 1979 टू बिल्ड रेजिडेंशियल कॉलोनीज। ऑन 29th अक्टूबर 1980 डीएलएफ बॉट द फर्स्ट पीस ऑफ लैंड इन चक्रपुर फ्रॉम सूरजमल, जो एक किसान थे। इट वॉज अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जस्ट 0.375 एकर्स। कहा जाता है रियल एस्टेट का मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है लैंड एक्विजिशन। एंड इमेजिन, आपको लैंड एक्वायर उन लोगों से करना है जो अपने लैंड से इमोशनली कनेक्टेड है एंड दे डोंट वांट टू सेल इट एट एनी कॉस्ट। नाउ इमेजिन, केपी सिंह ने 700 फैमिलीज को कन्विंस किया टू सेल देयर एकर्स ऑफ लैंड। सिर्फ अच्छा कंपनसेशन ही नहीं, ही डिड सॉल्व ऑल द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिलीज। फार्मर्स के बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने से लेकर किसी का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना, ही डिड ऑल ही कुड। केपी सिंह ने फार्मर्स को ये तक गाइड किया कि आप यहाँ इस छोटे बंजर जमीन के टुकड़े को बेचकर यहाँ से 20 किलोमीटर आ गए इसके 5 गुना बड़ी उपजाऊ जमीन खरीद सकते हो। और इतना ही नहीं, केपी सिंह ने अपना विजन भी शेयर किया दैट ही वांट्स टू बिल्ड दीज वर्ल्ड क्लास टाउनशिप। एंड इतने फार्मर से लैंड एक्वायर करने का क्रेडिट वो अपने रूरल बैकग्राउंड को देते हैं कि वो किसानों जैसे बोलना उठना और उनकी लैंग्वेज को समझते थे। एंड टू द आर्मी बैकग्राउंड, क्योंकि मोस्टली फार्मर्स की फैमिली में इधर कोई आर्मी में था या सर्व कर चुका था, इससे ये बेनिफिट हुआ कि वो एक दूसरे से रिलेट कर सकते थे। अब लैंड एक्वायर हो रहा था बट डीएलएफ हैड नो मनी टू पे टू द फार्मर्स एंड दैट्स वेयर चौधरी साहब यानी रघुवेंद्र सिंह जी को एक आइडिया आया। चौधरी साहब ने किसानों से क्रेडिट यानी उधार पर जमीन मांगी कि आप 90% पैसा जो हम आपको दे रहे हैं उसे आप वापस डीएलएफ में इन्वेस्ट करें, और इतनी एश्योरेंस दी कि जब से डीएलएफ प्रॉफिटेबल होगा तभी से आपको आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे। ये वन ऑफ अ काइंड आइडिया था जो उस टाइम पर किसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया था। किसानों में कुछ कंफ्यूजन रही लेकिन सभी मान गए। अब हर महीने की फर्स्ट और सिक्स्थ डेट के बीच गांव में डीएलएफ की एक जीप जाती और सभी के कैश एनवलप बांटती। आज के डेवलपर्स और बिल्डर्स को इससे इंस्पायर जरूर होना चाहिए। मूविंग टू द मेन स्टोरी, डीएलएफ्स फर्स्ट लाइसेंस वॉज इशूड ऑन 20th April 1981 to develop the urban land measuring around 40 acres. When DLF restarted in 1981, they wanted to set up a high-rise group housing project called Silver Ox on the plot of 11 acres in Phase 1. By 1982, they had started developing the elite residential area of Kutub Enclave in Gurgaon, now called DLF City. By the end of February 1983, without any fuss or publicity, they had secured license to develop a total area of 556 acres. DLF was growing like anything.
लेकिन बंसीलाल को ये पसंद नहीं आया। द बिगेस्ट ब्लो केम व्हेन ऑल द डीएलएफ लाइसेंस वर कैंसल्ड ऑन 5 नवंबर 1986। न्यूज़पेपर फीचर्ड प्रोमिनेंट हरियाणा गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स वार्निंग पीपल नॉट टू मेक एनी फर्दर पेमेंट्स टू डीएलएफ। नेचुरली थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स ऑल ओवर द कंट्री पैनिक्ड। दैट्स वेयर केपी सिंह एंड डीएलएफ डिड द बेस्ट थिंग, जो आज के टाइम में भी काफी कम देखने को मिलता है। केपी सिंह इंस्ट्रक्टेड स्टाफ कि जो भी रिफंड चाह रहे हैं गिव देम फुल रिफंड, बट बंसीलाल केप्ट ट्राइंग हिज बेस्ट टू डिस्ट्रॉय डीएलएफ। दैट्स वेयर फेट इंटरवीन्ड। राजीव गांधी जनरल इलेक्शंस में मेजॉरिटी वोट से जीते आफ्टर द इंदिरा गांधीज एसेसिनेशन ऑन October 31st, 1984। नाउ राजीव गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज टू स्टार्ट मीटिंग ऑर्डिनरी सिटीजंस इन द लॉन ऑफ हिज रेजिडेंस एवरी मॉर्निंग। देयर वर नो अपॉइंटमेंट्स गिवन एंड एवरीवन हैड टू स्टैंड इन अ क्यू। फिर एक सुबह केपी सिंह भी उस क्यू में लग गए। राजीव गांधी स्पॉटेड हिम एंड आस्क्ड हिम, तुम इस क्यू में क्या कर रहे हो? केपी सिंह ने राजीव गांधी से सारी प्रॉब्लम शेयर की, हाउ बंसीलाल इज हार्मिंग हिम एंड स्टॉप्ड डीएलएफ फंक्शनिंग इन गुड़गांव। लेकिन बंसीलाल किस बात पर केपी सिंह से इतनी नफरत करते थे? शुरुआत होती है जब बंसीलाल केपी सिंह को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और चाहते हैं कि केपी सिंह फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनने के लिए पार्ट लें, और वो ये भी गारंटी देते हैं कि केपी सिंह विल बी द विनर। केपी सिंह डिडंट एक्सपेक्ट दिस ऑफर सिंस ही वाज सो यंग एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स। एंड डू यू थिंक कि ऐसा पॉसिबल है, अ गारंटीड विन इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ एन एसोसिएशन? यस, बंसीलाल केप्ट हिज वर्ड्स एंड केपी सिंह वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। ऐसा भी टाइम आया बंसीलाल केपी सिंह को उनके घर पंचशील पार्क ड्रॉप करने जाते थे। उनके घर बैठकर कभी चाय पीना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बाकी इश्यू पर बातें करना, एंड दे बिकम सो फ्रेंडली एंड कैजुअल। इतना कि बंसीलाल कभी कभी बिना इन्फॉर्म किए ही केपी सिंह से मिलने उनके घर चले जाते थे। एंड दे वर सो गुड अंटिल इन December 1975 केपी सिंह ने एक प्राइवेट पार्टी होस्ट की कुछ सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए, और तभी उन्हें फोन आता है बंसीलाल के सेक्रेटरी का, और उस टाइम पर बंसीलाल डिफेंस मिनिस्टर थे। उनके सेक्रेटरी केपी सिंह को बताते हैं दैट बंसीलाल वुड लाइक टू मीट हिम। अब केपी सिंह को लगा बंसीलाल इनवाइटेड गेस्ट के साथ मिक्सअप नहीं हो पाएंगे, तो केपी सिंह ने अपने सर्कल में से कुछ जाट लीडर्स को इनवाइट किया सो दैट बंसीलाल जी भी पार्टी में अनकंफर्टेबल फील ना करें। अब केपी सिंह ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि दैट दिस पार्टी विल मेक हिम सफर फॉर द नेक्स्ट टू डेकेज। तो हुआ यूं कि केपी सिंह के एक फ्रेंड जो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर थे, हु वॉज अ लिटिल ड्रंक एट द पार्टी, एंड अपॉन सीइंग द डिफेंस मिनिस्टर बंसीलाल, दिस इज व्हाट ही सेड, मिस्टर बंसीलाल यू आर डूइंग अ प्रिटी गुड जॉब, इफ यू लाइक आई विल पुट इन गुड वर्ड अबाउट यू टू संजय गांधी। This is not the right choices and arrangement of words for an Indian Army officer to say to his defense minister. Bansilal got angry and left the party. Since KP Singh wasn't around, aur unhe jab is baat ka pata chala, he went on to meet Bansilal at his office. Lekin Bansilal ne milne se saaf inkar kar diya. And it went on for years and years. And Bansilal tried all he could to destroy KP Singh and DLF. When he became CM of Haryana in 1986 and 1996. Coming back to the main story, जब राजीव गांधी केपी सिंह से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, how Bansilal is misusing his powers as CM. Now राजीव गांधी and केपी सिंह tried all they could to save DLF from Bansilal. Even after when राजीव गांधी personally met Bansilal at an inauguration of a facility in Haryana, Bansilal was inflexible. कुछ ही दिनों में केपी सिंह को राजीव गांधी के सेक्रेटरी का कॉल आता है दैट समथिंग इज अर्जेंट, प्लीज मीट राजीव गांधी सूनर। एंड केपी सिंह वेंट अहेड टू मीट हिम, और इन्हें पता चलता है दैट बंसीलाल केपी सिंह को अरेस्ट करवाना चाहते हैं, एंड इन्हें सजेशन मिलता है दैट यू शुड बी हाइडिंग फॉर अ वाइल। अब केपी सिंह अपने अंकल सुरेंद्र को अप्रोच करते हैं दैट व्हाट शुड ही डू एंड वेयर शुड ही हाइड। अंकल सुरेंद्र केपी सिंह को ऊंचा गांव में छुपने के लिए कहते हैं, जो दिल्ली से लगभग 110 किलोमीटर दूर था, और केपी सिंह वहां पहुंच जाते हैं। एंड ही वाज स्कैर्ड कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आती है। व्हेन ऑन 19th जून 1987 बंसीलाल स्टेप डाउन एज चीफ मिनिस्टर। लेकिन अभी ये बैटल खत्म नहीं हुई थी। डीएलएफ की बंसीलाल की वजह से रेपुटेशन खराब हो चुकी थी।
It was difficult for KP Singh to start working on DLF. Bank se loan lena was difficult for him, so KP Singh decided to borrow money from known banking agencies at an interest rate of 24% just to acquire more and more land. और जब repayment की बारी आती तो KP Singh और पैसा borrow करते, just because land was cheap at that time, just 40,000 per acre, जो आज की डेट में millions की value hold करता है. On 31st Jan 1989, जो DLF के licenses बंसीलाल ने cancel करवाए थे, अब वो restore किए new CM देवीलाल ने, who had become the chief minister of Haryana. 1986 में ही DLF were selling land as low as 600 per square yards. और license restore होने के बाद ये price 2000 rupees per square yard हो गया. It was going well and great for both KP Singh and DLF. Until 21st May 1991, at a late night election meeting in Sri Perambudur in Tamil Nadu, Rajiv Gandhi was assassinated by a suicide bomber. This didn't end well for KP Singh. अब KP Singh को लगा सब खत्म, but things have just started for DLF and KP Singh, for good or for worse. ये आगे पता चलेगा. May 1996 में बंसीलाल दोबारा से third time chief minister elect हुए under the banner of Haryana Vikas Party. KP Singh met him again, माफी मांगी, लेकिन बंसीलाल नहीं बदले. He was the same angry person. Last CM देवीलाल की गवर्नमेंट ने मार्च 1988 में एक नोटिफिकेशन इश्यू किया फॉर एक्वायरिंग लैंड टू कंस्ट्रक्ट अ बायपास रोड नंबर 9, व्हिच इज NH8, जो कि दिल्ली फरीदाबाद और जयपुर से आने वाले ट्रैफिक के कंजेशन को कम करेगा. इस रोड से गुड़गांव को, स्पेशली DLF को भी बेनिफिट मिलता, लेकिन ये बंसीलाल को ठीक नहीं लगा. अब बंसीलाल ने बिना प्रोसीजर को फॉलो किए सभी रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाकर बाईपास रोड नंबर 9 का सारा काम रुकवा दिया, और ये डी नोटिफिकेशन नवंबर 1998 में इशू हुआ. इस रोड से थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स को बेनिफिट मिलता, लेकिन बंसीलाल की ईगो की वजह से एवरीवन हैड टू सफर, और जो काम शुरू हो चुका था वो भी कम्प्लीटली वेस्ट हो गया. ये चलता रहा अंटिल बंसीलाल लॉस्ट असेंबली इलेक्शंस. अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के प्रोटेस्ट के बाद ही गॉट सीरियस, और आने वाले चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ओम प्रकाश चौटाला ने इस लैंड को रीनोटिफाई किया इन अगस्त 2003, ताकि बाईपास रोड नंबर 9 का कंस्ट्रक्शन शुरू हो. फाइनली बंसीलाल का टेन्योर एज अ चीफ मिनिस्टर खत्म हुआ फ्रॉम 1996 टू 1999. लेकिन केपी सिंह की बंसीलाल से मुलाकात बाकी थी व्हेन बंसीलाल एज इट्स लोएस्ट. इवन ड्यूरिंग द फाइनल टाइम एज सीएम ही डिड बेस्ट ही कुड टू अफेक्ट डीएलएफ एंड केपी सिंह. एंड अनदर सच इवेंट वॉज जब डीएलएफ ने अपने गोल्फ कोर्स के प्राइवेट लैंड के रोड साइज को बढ़ाया, बट बंसीलाल के ऑफिशियल्स ने ऑब्जेक्ट किया कि ये प्लान रोड से बड़ा है, एंड दे ब्रॉट इन द अर्थ मूवर्स टू डिस्ट्रॉय द रोड व्हिच वाज बिल्ट ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी. एंड इवन ऑन 12th अप्रैल 1999 डीएलएफ के गोल्फ कोर्स को कॉम्पिटिशन देने के लिए बंसीलाल के ऑफिशियल्स ने एक नोटिफिकेशन इशू किया दैट हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैड प्लान्ड अ गोल्फ कोर्स ऑन द एरिया ऑफ 215 acres, which was not possible because it comes with a cost to which fund wasn't available, and the time of Bansilal as CM of Haryana was over. Now who would have thought ki KP Singh Bansilal se milne Bhiwani jayenge? It happened in 2005 when Bansilal's son Surendra died in helicopter crash. KP Singh milne jaate hain for the condolences, but Bansilal haven't changed. All he said was thank you. A month later, KP Singh went again to meet Bansilal, and that's where he saw him as a broken and lonely man. And that's where Bansilal, for the first time ever, said sorry to KP Singh. And he said, because of me, you suffered a lot. I always tried to hurt you and your company, but now I realize I was wrong. I was misled. You are a good man. And KP Singh finally felt some peace between them. Now comes Om Prakash Chautala, who was elected as CM of Haryana on 24th July 1999. And with this, the evolution and rebirth of Gurgaon have just started because of one man, Rajiv Singh, the son of Kushalpal Singh. Gurgaon mein Fortune 500 companies ke aane se pehle ek BPO company aayi. Before I tell you the name, DLF was the company behind bringing BPO services in India. First order $10 million ka raha,
एंड इट वेंट टू द वैल्यू ऑफ $14 बिलियन। लेकिन ये सब हुआ कैसे? लेट्स गो बैक टू 80s एंड मिलते हैं जैक वेल्सिंग, हु वॉज देन द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ GE, जनरल इलेक्ट्रिक। ये कंपनी हेल्थ केयर सिस्टम, एयरक्राफ्ट इंजन, पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स में डील करती है। अब केपी सिंह ने जैक को इनवाइट किया इंडिया विजिट करने के लिए, उन्हें पीएम राजीव गांधी से मिलवाने के लिए, जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के लिए काफ़ी अफेक्शनेट थे। और केपी सिंह जैक को न्यू इंडिया दिखाना चाहते थे। केपी सिंह ने एक ग्रैंड पार्टी होस्ट की जैक के लिए और काफ़ी गेस्ट्स को इनवाइट भी किया। जैक को राजस्थान दिखाया, जयपुर के महाराजा के साथ डिनर करवाया, फायरवर्क्स सब किया। अब फॉरेनर्स पर राजस्थान का एक अलग पॉजिटिव इम्प्रेशन रहता है, जो उनके दिल और दिमाग में इंडिया के लिए अच्छी जगह बनाता है। एंड गेस व्हाट, जैक वाज इम्प्रेस्ड। फिर केपी सिंह ने बैक टू बैक जैक की बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग सेटअप कराई, और एक मीटिंग उनकी भी रही जिसमें ही शोकेस दी टैलेंट ऑफ इंडिया, अबाउट द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, दैट यूथ इज इंटेलिजेंट। मतलब जो कोशिश हो सकी केपी सिंह डिड एंड इट कम्स आउट वेल। जिसमें इन 90s जीई ने अनाउंस किया कि वो BPO यानी आउटसोर्सिंग इंडिया से करवाएंगी विद द प्राइस टैग ऑफ $10 मिलियन। इसी पहले प्रोजेक्ट ने जीई का ऑपरेशन इतना बढ़ा दिया दैट दे ओपन्ड अ सेपरेट यूनिट इन 1997 इन अ DLF बिल्डिंग इन गुड़गांव, जिसे आज जेनपैट कहते हैं। इन 2005 इट हैड रेवेन्यू ऑफ $419 मिलियन। By 2010, Genpact revenue had crossed $1.12 billion. India's outsourcing industry is expected to earn around $50 billion annually by 2012 and employ around 2 million people. And the rest is history. This happened because of Om Prakash Chautala, jinhone plan and push kiya IT-related projects ko for the industrial development of the state. And one policy related to the development of IT and cyber parks. Rajiv Singh, the son of Kushal Pal Singh, moved in immediately to benefit from this policy and obtained approval for the development of DLF cyber park in Gurgaon. Aur yahan se shuruaat hui modern Gurgaon ki, jise aaj hum jante hain as the city of millenniums, which also includes 100 crore rupees flat in the Camellias by DLF. Is development ke baad everything fall into place. और साइबर सिटी एस्टैब्लिश हुई इन 2003, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 13 मिलियन स्क्वायर फीट, इट हैज चेंज्ड द स्काईलाइन ऑफ गुड़गांव। हाफ ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने अपना हेड ऑफिस यहीं बनाया, एंड मोर वांट्स टू जॉइन द क्यू फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशंस, फ्रॉम हाई राइज बिल्डिंग्स टू ब्रिंगिंग फर्स्ट BPO प्रोजेक्ट इन द कंट्री। 31st March 2010, केपी सिंह वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एंड ग्रेट अंटिल ही लॉस्ट हिज वाइफ टू कैंसर इन 2018। दिस इंसिडेंट शोक हिज लाइफ एज अ पर्सन एंड एज अ चेयरमैन ऑफ DLF एंड ही प्लान टू रिटायर। कैन यू बिलीव इट वॉज January 1975, केपी सिंह वॉज रेडी टू सेल होल DLF कंपनी एट अ प्राइस टैग ऑफ 26 लाख रुपीज। नाउ एंड मोर रिसेंटली DLF कैमेलियास का एक अपार्टमेंट की रीसेल वैल्यू 100 करोड़ रुपीस टच हुई। कुछ महीने पहले DLF आर्बर, जहां एक अपार्टमेंट का प्राइस टैग 7 करोड़ रुपीस था, वो सोल्ड आउट हुआ विद इन 3 डेज। एंड वेरी रिसेंट अपडेट, DLF प्रवाना साउथ, दे गॉट सोल्ड आउट विद इन 3 डेज ओनली। दे सोल्ड ऑल दी फ्लैट्स विद द वैल्यू ऑफ 7200 करोड़ रुपीज। DLF सिर्फ यही नहीं रुकने वाला, दे हैव द सेम विजन एज दे हैड इन द बिगिनिंग। About KP Singh, he is living the best of his life. He has found love once again at the age of 91. His son Rajiv Singh is taking good care and growing DLF since 2020. Baki, what do you think about his journey? Share your thoughts in the comments below. Was it all a series of good coincidences or consistent hard work of 30 years? See you in the next video.